डॉक्टर कफील बहुत बड़े गुनाहगार हैं, और कफील की तरह हम तमाम लोग इस देश में गुनाहगार हैं, क्योंकि हम हक की बात करते हैं, हम सच की बात करते हैं, हम जोड़ने की बात करते हैं। और जो इन सब बातों को इस देश के अंदर आज के दौर में करेगा वो गुनाहगार होगा। डॉक्टर कफील ने अलीगढ़ के अंदर मेरे सामने, मैं भी उस मीटिंग का पार्ट था, उन्होंने इस बात को कहा कि सरकार को ऐसे कानून को वापस लेना चाहिए जो कानून विभाजन करता है, जो भाई को भाई से लड़ा दे, जो एक घर के अंदर किसी तरह की भी लड़ाई को पैदा करे, ऐसे कानून को वापस लेना चाहिए। उन्हें हिंदुस्तान को एक घर बताया, हिंदू मुस्लिम को भाई भाई बताया, यही उनका गुनाह था, इसीलिए सरकार ने उनको गिरफ्तार किया और उसके बाद उनको एनएसए लगा दिया। सरकार का कहना है कि उन्होंने देश के खिलाफ कुछ बोल दिया था। अब देश के खिलाफ क्या था, सरकार तो आज तक बोली नहीं है कि देश के खिलाफ, मतलब एक डॉक्टर से इस देश की सुरक्षा को खतरा है, एक डॉक्टर से जो देश को जोड़ने की बात कर रहा है, जो 200 लोगों को अपने पैसे पे सिलेंडर मंगवा के गोरखपुर ट्रेजडी के दौरान बचाता है, उसकी जिंदगी को बचाता है, जो भगवान के अवतार में उस वक्त आ जाता है और बच्चों की जिंदगी बचाता है। तो आप एएमयू से हैं और आपने ढोंगी जी का नाम भी ले दिया, तो मेरा और कोरोना महामारी देश में फैल चुकी है, लगभग पूरा अपना प्रकोप जारी है और तबाही मचा रही है, तो जिस तरह का मतलब नुकसान भारत को हो रहा है, ऐसे हालात में डॉक्टर कफील का जिक्र करना जरूरी है। डॉक्टर कफील गोरखपुर से चर्चा में आए थे और वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में बयान देने के, जो उन्होंने जो भी बयान दिया था तो उसके तहत ही उन पर एनएसए लगा के उन्हें जेल में डाल दिया गया। तो जैसे हालात हैं, कि आपको नहीं लगता उन्हें निकालना चाहिए जेल से? और मुझे ये भी जरा बता दें चैनल को, क्या उन्होंने ऐसा गलत या गुनाह वहाँ कर दिया था अलीगढ़ में जिसकी सजा वो भुगत रहे? देखिए, डॉक्टर कफील बहुत बड़े गुनाहगार हैं, और कफील की तरह हम तमाम लोग इस देश में गुनाहगार हैं, क्योंकि हम हक की बात करते हैं, हम सच की बात करते हैं, हम जोड़ने की बात करते हैं। और जो इन सब बातों को इस देश के अंदर आज के दौर में करेगा वो गुनाहगार होगा। डॉक्टर कफील ने अलीगढ़ के अंदर मेरे सामने, मैं भी उस मीटिंग का पार्ट था, उन्होंने इस बात को कहा कि सरकार को ऐसे कानून को वापस लेना चाहिए जो कानून विभाजन करता है, जो भाई को भाई से लड़ा दे, जो एक घर के अंदर किसी तरह की भी लड़ाई को पैदा करे, ऐसे कानून को वापस लेना चाहिए। उन्हें हिंदुस्तान को एक घर बताया, हिंदू मुस्लिम को भाई भाई बताया, यही उनका गुनाह था, इसीलिए सरकार ने उनको गिरफ्तार किया और उसके बाद उनको एनएसए लगा दिया। सरकार का कहना है कि उन्होंने देश के खिलाफ कुछ बोल दिया था। अब देश के खिलाफ क्या था, सरकार तो आज तक बोली नहीं है कि देश के खिलाफ, मतलब एक डॉक्टर से इस देश की सुरक्षा को खतरा है, एक डॉक्टर से जो देश को जोड़ने की बात कर रहा है, जो 200 लोगों को अपने पैसे पे सिलेंडर मंगवा के गोरखपुर ट्रेजडी के दौरान बचाता है, उसकी जिंदगी को बचाता है, जो भगवान के अवतार में उस वक्त आ जाता है और बच्चों की जिंदगी बचाता है, वो राष्ट्र के लिए सुरक्षा है। लेकिन ये जो आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फाइनेंस के, क्या नाम है इनका, ठाकुर जी, अनुराग ठाकुर, ये जब बोलते हैं गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, तो ये देश को तोड़ने का काम नहीं करते, ये देश के लिए खतरा नहीं है। जब परवेश राणा जब कहते हैं कि आपके माँ बहनों को घर में घुस के रेप किया जाएगा अगर आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया, तो ये देश को तोड़ने का काम नहीं हुआ, ये देश की सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। जब कश्मीर के अंदर एक डीएसपी पकड़ा जाता है जो छुट्टी पे होता है, और उस डीएसपी को पकड़ा जाता है स्नूपिंग करते हुए, उस डीएसपी को पकड़ा जाता है आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होते हुए, तो वो देश के लिए खतरा नहीं होता है। लेकिन देश के लिए खतरा डॉक्टर कफील हो जाएंगे, देश के लिए खतरा मीरान हैदर हो जाएंगे, देश के लिए खतरा हम और आप हो जाएंगे, ये तो विडंबना है इस देश की। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि डॉक्टर कफील को छोड़ दिया जाए ऐसे हालात में। 23 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एक एडवाइजरी जारी करी थी जिसके तहत बोला गया था कि 23 तारीख में छोड़ दिया जाए, लेकिन 28 को छोड़ने वाले थे और यूपी सरकार की तरफ से कोई आदेश आता है जिसकी वजह से उन्हें रोक दिया जाता है, ये डॉक्टर कफील ने अपनी बीवी को बताया। तो मेरा यही सवाल है कि आप भी काफ़ी चीज़ें जानते हैं, तो क्या जैसे हालात हैं, कम से कम ज़रूरत को समझते हुए डॉक्टर कफील को रिहा नहीं करना चाहिए कोरोना से लड़ने से पहले? मैं एक बात पे कहूँगा आपको कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को एक स्टेट गवर्नमेंट ने रोक दिया, आप समझ रहे हैं, आप समझिए कि देश में जुडिशरी आज़ाद नहीं है। मैं पहले भी कहता हुआ आया हूँ, आज से 2 साल पहले जब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 4-5 जज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि इस देश में कुछ सही नहीं है, तो लोगों को समझ में आता है कि अच्छा वाकई सही नहीं है। आज वो चीज़ दिख रही है कि सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि नहीं, जिन लोगों को सरकार ने पुलिस ने केस लगाया उनको गिरफ्तार करके छोड़ा जाए, जो गिरफ्तार उनको छोड़ा जाए, उसमें डॉक्टर कफील का भी नाम था, उसको राज्य की सरकार ने रोक दिया। तो मतलब आपके सामने जुडिशरी की भी कोई वैल्यू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लखनऊ में जो आपने बैनर लगाया, लोगों का पोस्टर लगाया सरेआम चौराहे पर जगह जगह, याद होगा आपको जी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1 महीने के अंदर हटा लिया जाए। 1 महीना पूरा हो गया,
लेकिन आज तक वो पोस्टर बैनर ऐसे ही लगा हुआ है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का बिल्कुल उल्लंघन हो रहा है इस देश के अंदर, और बीजेपी की सरकार ये बता रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। मैं बता रहा हूँ, खुले तौर पर बता रहा हूँ इस बात को, तभी डॉक्टर कफील को रिहा नहीं किया। आज डॉक्टर कफील अगर बाहर होते तो वो जगह जगह जाकर लोगों की मदद कर रहे होते, उनको दवाइयां मुहैया करा रहे होते फ्री में, उनको अच्छी हेल्थ सुविधा के लिए प्रेरित कर रहे होते, इसीलिए उनको बाहर नहीं गया। क्योंकि सरकार चाहती है कि देश कोरोना में फंसा रहे, और सरकार के पास कोई प्लान भी नहीं है। हमने लॉकडाउन में क्या किया, हम लॉकडाउन के अंदर हमने प्रॉपर टेस्टिंग ही नहीं की, और इस बीमारी का सबसे बड़ा जो रामबाण जिसको कहेंगे वो ये है कि टेस्टिंग कीजिए। जब तक आप टेस्टिंग नहीं करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके पास पेशेंट कितने हैं। लॉकडाउन है, अच्छी बात है, मैं प्रधानमंत्री के इस चीज का मैं सहयोग करता हूं कि लॉकडाउन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हम लोग भी बिल्कुल पूरा पालन कर रहे हैं, घर के अंदर भी मास्क लगा के बैठा हूं, ठीक है। तो अब ये समझिए, बार बार हम लोग हाथ भी धो रहे हैं, ठीक है, लोगों से मिलना जुलना भी नहीं हो रहा है, और जरूरत के हिसाब से अगर ग्रोसरीज भी लेने जा रहे हैं तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है, तमाम चीजें कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से सारे दर्शक से यही कहना चाह रहा हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, कोरोना से हम लोगों को एक साथ लड़ना है, और जहां भी निकले मास्क पहन के निकले, जरूरत के हिसाब से निकले। लेकिन सवाल भी करेंगे, सवाल ये करेंगे कि टेस्टिंग किट कहाँ है, टेस्टिंग क्यों नहीं हुई, पीपीई क्यों नहीं प्रॉपर है, मास्क क्यों नहीं पहुंच रहा डॉक्टर्स के पास, ये तमाम क्वारंटाइन फैसिलिटीज जो है वो अभी तक पेशेंट्स को नहीं मिल रही है सही से, ना डॉक्टर्स को सही से मिल रही है, ये तमाम सवाल हम करेंगे, क्योंकि अभी तक ये कुछ नहीं हुआ।